शाहरुख की पठान पहली मूवी बन गई इंडियन सिनेमा की जो आइस फॉर्मेट में रिलीज हुई है इंडिया में। अब आप सोचोगे कि भाई ये आइस फॉर्मेट क्या होता है, बर्फ, मतलब क्या थिएटर में बर्फ लगाएंगे सो दैट गर्मी में भी सर्दियों वाला एहसास। स्पेलिंग तो उसका सेम है, आईसीई फॉर्मेट, पर इसका फुल फॉर्म होता है इमर्सिव सिनेमा। तो भाई पहले आया आईमैक्स, फिर आया 4D, अब आया आइस। तो बताते हैं आपको क्या होता है 4D, आईमैक्स और आइस। आईमैक्स में स्क्रीन बड़ा होता है, कर्व्ड होता है, सेंटर पे फोकस होता है। 4D में कई सारे और इफेक्ट दिए जाते हैं सीटों पे, पर आइस फॉर्मेट तो अलग ही है। बताते हैं आपको क्या है ये। और इंडिया में आपको आइस फॉर्मेट में मूवी देखनी तो आप कहां जा सकते हो? तो भाई इमर्सिव सिनेमा के कंसेप्ट में आपको सिर्फ आगे नहीं देखना होता है, आपके बाजू पे भी स्क्रीन चल रही होती है। 270 डिग्री व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, डॉल्बी के अटमोस्ट हाई डेफिनेशन साउंड सिस्टम होते हैं, मतलब मोटा मोटा ऐसा लगता है कि भाई चारों तरफ पिक्चर ही चल रही है, आप इतने घुल जाओगे उसमें। प्रोमिनेट मॉल, बसंत कुंज न्यू दिल्ली और PVR एम्बियंस मॉल में इंडिया के पहले दो आइस फॉर्मेट थिएटर्स बने जो कि पूरे इंडिया में अब फैलेंगे धीरे धीरे।